तो आज की वीडियो है हरिश्चंद्रगढ़ ट्रैक का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में ऐड कर दूंगी। आप वो वीडियो जरूर देखें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस वीडियो में हम लोग कोकनकरा होते हुए केदारेश्वर केव और हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल होते हुए बेस विलेज पहुँचेंगे। तो आप तारामती पीक से आप हरिश्चंद्रेश्वर टेम्पल देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये नया साल 2024 आप सबका बहुत ही अच्छा बीत रहा होगा। पहला महीना लगभग खत्म होने को है, अभी 11 महीने और बाकी हैं। उन 11 महीनों में आपने जो भी इस साल के लिए टारगेट रखा होगा आप उसे अचीव करने में सफल रहे। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं डाउनवर्ड्स ट्रैक करते हुए। तो डाउनवर्ड जाते हुए थोड़े से अपहिल्स और डाउनहिल्स थे, तो मोस्टली ये रास्ता उतना टफ नहीं था, इजी रास्ता था। कहीं कहीं ऐसे थे कि लाइक स्टोन्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े थे, तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कतें हुई थी। बाकी ओवरऑल रास्ता काफ़ी स्मूथ और ट्रैक और ट्रेल बने हुए थे, तो ईजी था ये। रास्ता तो काफ़ी टफ नहीं था, लेकिन हम लोग बहुत थक चुके थे। रात 10 बजे से हम लोग जागे हुए थे और सुबह 4 बजे से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था। अभी लगभग 7 या 8 o'clock हो रहा था और अभी हम लोग डाउनवर्ड जा रहे थे। हमारा टारगेट था कि शाम को 4 बजे तक हम वापस पुणे पहुंचने का। हरिश्चंद्रगढ़ किले की जो सबसे ऊँची चोटी है वो है तारामती चोटी, और वो महाराष्ट्र की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है लगभग 1429 meters। तारामती पीक से आपको सह्याद्री की काफ़ी सारी लाइक माउंटेन्स पीक देखने को मिल सकते हैं, जैसे कलसुबाई, रतनगढ़, मालसेस घाट आप वहां से देख सकते हैं। तारामती पीक से कोकनकरा की लगभग आधे घंटे की ट्रैक है और आप यहाँ से देख सकते हैं हम लगभग कोकनकरा पहुँचने वाले हैं। तो कोकनकरा का मेन अट्रैक्शन यहाँ का सनराइज़ और सनसेट है, क्योंकि आगे बिल्कुल ही खाली है तो काफ़ी अच्छा सनराइज़ और सनसेट यहाँ से दिखता है। यहाँ पे लोग बेस विलेज से जब इस साइड से ट्रैक करते हुए आते हैं तो यहाँ पे कैंपिंग भी करते हैं। बरसात के मौसम में अगर आप ये ट्रैक कर रहे हैं तो कोकनकरा के पास आपको काफ़ी सारे रेनबोज देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे रेनबो फॉर्मेशन होता है वहाँ। जो कोकनकरा नाम है इसका, उसका मतलब ये है क्योंकि ये कोकन रीजन में आता है और कड़ा मराठी में चट्टान को बोलते हैं। तो जो कोकनकरा है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, वो बिल्कुल टॉल स्ट्रेट बिल्कुल ऐसे काइंड ऑफ कनकेव में वो स्ट्रक्चर है। तो सामने आप ना काफ़ी सारे नेचुरल फिनोमेना को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे पूरा सर्कुलर रेनबो आप देख सकते हो। सर्कुलर रेनबो को लाइक ब्रोकन घोस्ट भी बोलते हैं, तो सारा कुछ वहाँ से नज़र आता है। और अगर आप मॉनसून में जा रहे हैं तो आप यहाँ पे ना अगर आप कुछ पत्ता या कुछ लीफ फेंकेंगे तो वापस आपको उल्टा ऊपर की तरफ फेंकता है। मॉनसून में तो ये काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर दिखता है। हमने ये सितंबर में ट्रैक किया था, अभी भी ये सुंदर था, उतना ये पूरा लश ग्रीन नहीं था। आप ये व्यू इंजॉय कीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं आगे ट्रैक करते हुए केदारेश्वर टेम्पल की तरफ। और अगर आपने अब तक नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब तो किस बात की है देरी, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ये जो कोकनकरा का पोर्शन है यहाँ मेनली कैंपिंग होती है। आप 2-3 स्टोर्स देख रहे हैं, स्टोर्स नहीं, छोटे छोटे कियोस्क है, तो आप देख सकते हैं वो लोग टेंट प्रोवाइड करते हैं और वो लोग फूड भी प्रोवाइड करते हैं। और ये जो एरिया है ये मेनली अगर सोशल मीडिया पर कोकनकरा सर्च करेंगे तो ये वाला पोर्शन आपको नज़र आएगा। तो यहाँ इन्होंने बैरिकेड्स लगा रखे हैं सेफ्टी के लिए, बैरिकेड्स को तो जाना अलाउड नहीं है, तो आप उधर नहीं जाए, अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ हवाएं चल रही थी, तो आप लोग नज़ारों का आनंद लीजिए और चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो
तो यहाँ से आप देख सकते हैं छोटे छोटे स्टॉल्स मिलने शुरू हो गए थे, क्योंकि पूरा ही एरिया कैंपिंग का है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं जो आपको कैंपिंग के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, टेंट प्रोवाइड करते हैं, फूड भी प्रोवाइड करते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं केदारेश्वर केव की तरफ, तो वहीं पे हमारा आज का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट होगा। तो हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद केदारेश्वर केव और हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर विजिट करेंगे, और देन उसके बाद हम लोग नीचे बीस विलेज के लिए निकल चलेंगे। अगर आपको यहाँ से मंदिर दिख रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और नहीं दिख रहा है तो भी बताएं, क्योंकि थोड़ी देर में मैं आपको उनके दर्शन कराने तो लेके जाऊंगी ही। यहाँ हमने थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम निकल पड़े हैं गणपति केव की तरफ। तो ये रास्ते थोड़े से पथरीले थे, प्रॉपर ट्रेल बनी हुई थी लेकिन प्लेन रास्ता नहीं था। तो यहाँ आसपास लगभग 8-9 केव्स हैं, और ये जो केव हम लोग विजिट करने जा रहे हैं ये गणपति केव है, क्योंकि इसमें ना गणपति जी की 8 फीट की मूर्ति है जो एक ही पत्थर को कार्व करके बनाई गई, मतलब एक ही पत्थर को तराश के उन्होंने वो मूर्ति बनाई है, और वो पूरी मूर्ति बहुत ही सुंदर है। चलिए आप देखिए मूर्ति को देखिए, गणपति जी का आशीर्वाद लीजिए। ये वाला जो केव था वो 3-4 केव का कंबाइन करके बना हुआ था, मतलब 3-4 अलग अलग केव थे, और काफ़ी सारे केव के अंदर ना पानी भरा हुआ था। ये वाला केव तो बिल्कुल अंधेरा था, यहाँ हम फ्लैश लाइट जला के देख रहे थे कि यहाँ पे कोई भगवान जी की मूर्ति है या फिर क्या है, बट हमें बहुत अंधेरे के कारण कुछ नहीं दिख रहा था वहाँ। फिर हम लोग इस केव से बाहर आ गए, तो आप देख सकते हो यहाँ भी पानी भरा हुआ है। तो मतलब जहाँ गड्ढे थे या फिर जहाँ खुला हुआ केव था ना, वहाँ बिल्कुल पानी भरा हुआ था, उसमें काफ़ी सारे मच्छर हो रखे थे। तो अब हम लोग जाएंगे मेन केव जहाँ गणपति जी की मूर्ति है, जहाँ हमारे गणपति बप्पा विराजमान है। तो ये रहे हमारे गणपति जी महाराज जो यहाँ विराजमान है। तो इनके दर्शन करने के बाद, गणपति जी के दर्शन करने के बाद, हम निकल पड़े केदारेश्वर केव की तरफ भोले जी के दर्शन करने। केदारेश्वर केव मंदिर और हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर दोनों आसपास में ही है। जो आप देख रहे हैं मंदिर, वो हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर है, वो एक काले पत्थर को तराश करके कार्व करके बनाया गया है 9th century में, 9वीं शताब्दी में। ये एक शिव मंदिर है, यहाँ शिवलिंग मौजूद है, और उसके बगल में है केदारेश्वर केव टेम्पल। इसका निर्माण जंज राजा के समय कराया गया था। मंदिर परिसर में आप बहुत से अन्य शिल्प भी देख सकते हैं। इस मंदिर में शिवलिंग के अलावा अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं। यहाँ पर 8 शिलालेख भी है जो कि संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो ये जो अभी आप झील देख रहे हैं, यह है सप्त तीर्थ पुष्करणी। मान्यता ऐसी है ये भगवान विष्णु के चरणों से बना हुआ है। पहले यहाँ भगवान विष्णु की प्रतिमा थी, जिसे अब मंदिर में स्थानांतरित कर दिया गया है। ये सप्त तीर्थ का मतलब ये है कि यहाँ पे 7 ऐसे पवित्र जगह है, इसलिए इसे सप्त तीर्थ पुष्करणी बोलते हैं। यहाँ पे लोग नहाते भी हैं, क्योंकि इस झील का पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है, तो लोग यहाँ पे स्नान करके देन उसके बाद मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे। बट अभी तो पानी बहुत ज़्यादा साफ था, लेकिन फिर भी लोग नहा रहे थे वहाँ। तो चलिए अब दर्शन करते हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर की। तो अब आप यहाँ से भगवान जी का आशीर्वाद लें, भगवान जी के दर्शन करें।
मंदिर दर्शन करने के बाद, भगवान जी का आशीर्वाद लेने के बाद, अब हम लोग निकल पड़े हैं केदारेश्वर गुफा की तरफ। तो ये गुफा में भी शिव जी विराजमान है, यहाँ शिवालिंग है जिसको केदारेश्वर लिंग भी बोलते हैं। तो मान्यता ऐसी है कि इस जो गुफा है, इसके जो चार पिलर है वो चार युगों को दर्शाते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। मान्यता ऐसी है कि जो चौथा पिलर है वो कलयुग को दर्शाता है। जिस वक्त ये चौथा पिलर गिर जाएगा या टूट जाएगा, उस वक्त कलयुग भी खत्म हो जाएगा। भगवान जी के दर्शन करने के बाद, उनके आशीर्वाद लेने के बाद, अब हम लोग निकल चले हैं अपनी बाकी की ट्रैकिंग कंप्लीट करने के लिए और बेस विलेज पहुंचने के लिए। ये ट्रैक एडवेंचर प्लस स्पिरिचुअल दोनों भी है। आप यहाँ पे रात को ट्रैक करते हो तो काफ़ी एडवेंचरस होता है, वो सारी चीज़ें मैंने फर्स्ट पार्ट में बताई है और आपको सेकंड पार्ट में भगवान जी के दर्शन कराए हैं। अब हम लोग लगभग पहुँच चुके थे अपना बेस विलेज। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी नेक्स्ट जगह चाहते हो मैं विजिट करूं, उसके बारे में डिटेल्स बताऊं आपको। तो ये ट्रैक बहुत ही अच्छा रहा, ये महाराष्ट्र का बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है और ये एक दिन का ट्रैक है, लाइक वन डे टू डे वन नाइट का ट्रैक है ये। तो हम लोग रात को 10 बजे निकले थे और नेक्स्ट डे हम लोग लगभग 6-7 बजे के आसपास पुणे वापस पहुंच गए थे। हमारा पुणे टू पुणे का पूरा ट्रैक था। तो लगभग दो दिन, या फिर आप शाम को निकल रहे हो तो एक दिन एक रात में ये ट्रैक हो जाता है कंप्लीट। आप चाहो तो कैंपिंग भी कर सकते हो वहाँ, नाइट स्टे भी कर सकते हो, वो सारी भी वहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा बेस विलेज दिख रहा था और हम लोग बहुत खुश हो गए थे क्योंकि अब हम लोग पहुँचने वाले थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और हर हर महादेव।